गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड लेसन चिल्ड्रन एट वर्क. बिफोर रीडिंग द लेसन वी शैल डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. वेलू जो था वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था और फिर भी उसने ऐसा महसूस किया कि वो किसी चलती हुई गाड़ी में हो. Why? क्यों? Answer is, it is because he stood on the platform with wobbling legs. यह इसलिए था क्योंकि वह कांपती हुई टांगों के साथ प्लेटफॉर्म पे खड़ा था. One feels so in a moving train. और किसी भी व्यक्ति को ऐसा किसी चलती हुई ट्रेन में फील होता है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what made him feel miserable? यानी कि क्या चीज उसको एक तरह से कमजोरी महसूस करवा रही थी. आंसर इज द टेरिबल नॉइस ऑन द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा शोर, हंगर उसकी भूख एंड एग्जॉशन और उसकी थकावट मेड हिम फील मिजरेबल. उसको बिल्कुल थका हुआ या मिजरेबल फील करा रही थी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट. व्हाई? वेलू जो था वो टिकट के बिना क्यों यात्रा कर रहा था. आंसर इज वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी विद हिम. क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था इसलिए वो बिना टिकट के यात्रा कर रहा था. सेकेंड पार्ट, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन. वह टिकट कलेक्टर के ध्यान से कैसे बच गया. आंसर इज वेलू एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन एज द लेटर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट. वेलू कलेक्टर के अटेंशन से इसलिए बच गया क्योंकि लेटर यानी कि बाद वाला यहाँ पे कलेक्टर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो कलेक्टर था वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया था. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम. वेलू घर से क्यों भाग गया. आंसर वेलूज फादर वॉज अ ड्रंकर्ड. वेलू के फादर शराबी थे. वट एवर वेलू अर्नड हिज फादर टुक अवे. जो कुछ भी वेलू कमाता तो उसका फादर उससे ले लेता. वेलू वॉज ऑल्सो बीटन बाय हिज फादर डेली. वेलू उसके फादर के द्वारा प्रतिदिन उसको पीटा जाता था. देयर फोर ही रैन अवे फ्रॉम होम. इसलिए वह घर से भाग गया. क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल. यानी कि उसने अजनबी लड़की को के पीछे जाना क्यों फैसला किया उसके पीछे जाने का. वेलू वॉज कम्प्लीटली स्ट्रेंज टू चेन्नई. वेलू अजनबी था चेन्नई में. ही डिड नॉट नो वेयर टू गो. वह नहीं जानता था कि कहाँ जाए एंड वट टू डू और क्या करे. बट द स्ट्रेंज गर्ल सीन टू नो एवरीथिंग. पर वो अजनबी लड़की हर एक चीज को जानती हुई लगती थी. शी कुड हेल्प हिम गेट फूड टू. और वह उसको भोजन प्राप्त करवाने में भी हेल्प कर सकती थी. देयर फोर वेलू डिसाइडेड टू फॉलो हर. इसलिए वेलू ने उसको फॉलो करने का, उसका पीछा करने का फैसला किया. वी हैव टू रीड फ्रॉम पेज नंबर 10, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग. यानी कि वेलू अपने उस फ्रेंड को जो कि स्ट्रेंज गर्ल थी भीड़ भरी गली में से उसका पीछा करते हुए एक बड़ी बिल्डिंग तक गया. बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन. और उस बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे एक कचरे का डिब्बा था. वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल. और वेलू हैरान था कि वो यहाँ पर क्यों है. ही कोट अप विद द गर्ल एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन. यानी कि वह उस लड़की के पीछे पीछे गया, उसने उसको एक तरह से पकड़ा भागकर जैसे ही वो स्टेशन को लिविंग मतलब छोड़ ही रही थी. वेन दे गो टू द रोड, जब वो सड़क पर आए, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग. तो वेलू ने ये पाया कि वहाँ पे व्हीकल्स यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी. एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन. और ट्रैफिक किसी के लिए भी रुक नहीं रही थी. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स. और सभी साइड से धूल और धुआं उसके ऊपर उड़ रहा था. मेकिंग हिज हेड स्पिन. उसके सिर में मतलब एक तरह से उसका सिर घूम रहा था. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. और उनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा एक गैप उनको क्रॉस करने के लिए मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ा. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग. वेलू जो था वो झिझकता रहा. एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. और जो लड़की थी उसने ड्रैग मींस खींचना, दूसरी साइड एकदम से उसको खींच लिया.
व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस। और फिर वो लड़की कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ गाय चराने आए हो। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम इस तरह सड़क के बीच में मिडल में खड़े हो जाओगे, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलूज हर्ट, वो स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का दिल अभी तेज धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने वापिस स्टेशन की तरफ देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और तेजी से जाती हुई ट्रैफिक को देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, और अब वो ये सोच रहा था कि वो कैसे मैनेज हुए, कैसे सफल हुए इतनी भीड़ में से क्रॉस करने में। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, यानी कि वो साइड सड़क के साइड साइड से चले बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे से। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ने पिक्चर्स को देखा। बनियान्स, कार टायर्स, पेंस, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, यानी कि इस तरह के बोर्ड्स टंगे हुए थे, उधर पिक्चर्स थी उनकी। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और सभी पे इंग्लिश में ही लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो वट इट मेंट, इसलिए वो नहीं जानता था कि इसका क्या अर्थ था। द गर्ल टर्न्ड इन ऑन टू अ वाइड ब्रिज, और जो लड़की थी वो एक बड़े से ब्रिज पर मुड़ गई। एंड वॉक्ड अप, और उसके ऊपर चली। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू रुका और उसने रेलिंग के ऊपर से नीचे झांक के देखा। अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी, और उसके नीचे यानी कि ब्रिज के नीचे एक सड़क थी जो शहर की तरफ, शहर के अंदर जा रही थी। इन द डिस्टेंस, दूरी से ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, वह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख सकता था। एंड टोवर्स एंड मोर रोड्स, टोवर देख सकता था और ज्यादा सड़कें देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद अ वॉल अराउंड इट, यानी कि दीवार वाली उस बड़ी बिल्डिंग को देखो। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम जल्दी ही वहां पे, बार्स होती हैं सलाखें, तुम सलाखें गिनोगे। द गर्ल ग्रिंड, वो लड़की मुस्कुराई और उसने ऐसा कहा। एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और उसने एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया ये कहते हुए। वेलू स्क्वेंटेड एंड रेड द तमिल साइन, वेलू जो था उसने एक तरह से वहां जो साइन बोर्ड था वो पढ़ा, उस पर लिखा था सेंट्रल जेल, उस पर लिखा था ये सेंट्रल जेल है। वाई, क्यों? आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यानी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने के लिए। जस्ट डोंट गेट कोर्ट, दैट्स ऑल। डोंट गेट कोर्ट यानी कि तुम पकड़े मत जाओ, बस इतना ही है। वट डज सी मीन, उसका क्या अर्थ है? वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान था ये सोचते हुए। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, और इसी दौरान लड़की जो थी वो ब्रिज से नीचे उतर रही थी। विद अ सैक ऑन हर शोल्डर, अपने कंधे पर बोरा लेकर। वट वॉज इन इट, इसके अंदर क्या है? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन, और उसने उसको स्टेशन पर देखा था, प्लास्टिक के कप्स उठा रही थी वो। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, उस बैग में तुम क्या उठाए हुए हो? थिंग्स, बोटल्स, पेपर, उसने आंसर दिया कि इसमें चीजें हैं, बोटल्स हैं, पेपर, कागज हैं। वेलू वंडर्स व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, वेलू हैरान था पर पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी, और वो सोच रहा था कि वो इनके साथ क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाय, उसने थोड़ी शर्म झिझक महसूस की टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, और ज्यादा क्वेश्चन पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, अभी भी सुबह थी पर गर्मी इतनी थी कि जो सड़क का तारकोल था वो धूप की वजह से पिघल रहा था। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड, और वेलू के नंगे पांव जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, और यह एक गारे की मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा नहीं था। ही वो शॉक्ड विद स्वेट, वह पसीने से भीग गया। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, उसने छाया में चलने की मुश्किल सी कोशिश की। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और साथ साथ उस लड़की के साथ साथ रहने की कोशिश की। शी वॉक्ड रियली फास्ट, वह बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, और वो ये सोच रहा था कि भोजन कितना दूर है। सो यू वी शैल रीड इट्स रिमेनिंग पार्ट टुमोरो, एंड टुडेज होमवर्क यू हैव टू रीड दिस लेसन ओनली। थैंक यू।